हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं वरुण अवस्थी और आज हम लोग जा रहे हैं चित्रकूट दर्शन करने के लिए राजापुर से। तो राजा तुलसीदास जी का जन्म स्थान था गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिन्होंने रामचरितमानस लिखी थी। यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर है और आपको फिर अभी वहाँ पहुँच के आगे का दिखाते हैं। दोस्तों, करवी आ गया है। करवी की मेन मार्केट है ये। ये हॉस्पिटल है यहाँ का डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ से एमपी शुरू हो रहा है, मध्य प्रदेश स्टेट स्टार्ट हो रहा है। पर आपको ये दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपके हनुमान धारा है। यहीं पे कहते हैं लंका दहन करने के बाद हनुमान जी यहीं आए थे। वहाँ पहाड़ में वो तोड़ के गदा मार के पानी निकल रहा है, जो अभिनल चल रहा है तब से भी तब। हाँ, तो उनकी हिस्ट्री ये है कि यहाँ पे हनुमान जी आए थे, उन्होंने गदा मार के लंका दहन करने के बाद फिर गदा से यहाँ पे उन्होंने छिद्र किया था, फिर यहाँ पे जल निकलता है। मार्केट आप देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे रोपवे भी है, तो यहाँ से सीधा हनुमान धारा के लिए ऊपर जा रही है। यहाँ से होते हुए 365 सीढ़ियाँ भी हैं और ये देखो, यहाँ से ऊपर पहुँचती है वहाँ पर। यहाँ मंदिर में हम आए हुए हैं और आपको उसको दिखाते हैं अंदर का दर्शन करके। बाबा जी, आपका नाम क्या है और थोड़ा बता दीजिए हनुमान धारा के बारे में। राम जीवन दास त्यागी, पंच तेरा भाई त्यागी। तो यहाँ जो रामबावली है भगवान के समय, यहाँ जब भगवान आए हैं तो ऊपर इनकी आसन लगी रही, दिन में रहे हैं ये हनुमान धारा में और शाम को जाते थे कांतनाथ। फिर सुबह से वहाँ से पूजा पाई करके और तीनों जने यहाँ फिर आ जाते थे, तो यहीं बैठते थे सारे दिन और यहाँ से सारे हनुमान धारा का रहस्य लेते थे। और जो गंगा धारा है हनुमान धारा की, हनुमान जी के ऊपर से, तो बता रहे हैं कि जब ये लंका जीत के आए रावण को मार के, तब अयोध्या में सब देवता जितने रहे, विभीषण जी, पवन सुत, ये सब लोग जब जाने लगे, तो उसके बाद फिर इनसे सबसे पूछी का रही, ठीक है जब इनका राज तिलक हुआ है तब सब लोग ये जाने लगे, भैया अब अपना अपना राज संभालिए आप लोग और हमको भी अब जाना है। इसलिए अब इनने सब लोग ये चले गए, फिर हनुमान जी बचे हैं। तो हनुमान जी से ये बोला, भैया आप बोलिए भगवान, जहाँ आप रहोगे वहाँ मेरे को रहना है, आपके चरणों में मेरे को रहना है। तो उन्होंने कहे, हमको तो चित्रकूट में रहना है। तो ले भैया चित्रकूट में महाराज जी भगवान हमको भी पधारा। तो फिर सुनी हुई बात है कि फिर भगवान ला लाए हनुमान जी को यहाँ, तो
यहाँ इनको स्थापना की राम जी ने। इसके बाद जब भगवान जाने लगे यहाँ से अयोध्या को, तो बोले हनुमान जी और क्या है? बोले भगवान कुछ नहीं है, एक बात है। कि क्या है? कहने लगे कि जब से लंका जला के आए हैं तो हमको बाई भुजा में जलन पड़ रहा है। उनके ठीक भाई, तो इनने धनुष बाण चढ़ाया है, तो बाण लगाया उनकी कंधा के बगल से, तो वहाँ से गंगा धार है, तो इस पहाड़िया पे गिर के गंगा धार आ, बगल में नरसंहधारा है, फिर यहीं बगल में शंकर धारा है, एक बंदर चूही की धारा है, एक राजा चूही की धारा है, यहाँ पूरब की ओर माता जी की धारा है, और यहाँ से 3 किलोमीटर देवगंगना कोट तीरथ, जहाँ भरत जी जब आए हैं पूरा परिवार लेके चित्रकूट को, तब वहाँ सारी सेना अपनी छोड़ के आए। यही और कामतानाथ हैं जो, तो कामतानाथ और राम घाट पर मच्छुंद राजा प्रमुख हैं। ठीक है, धन्यवाद आपके लिए इतना बताने के लिए, तो बहुत धन्यवाद। यही मंदिर में बादशाह पाले में मोदी जी पूजा अर्चना किए थे, इसलिए मोदी जी आए थे रघुवीर मंदिर में। रघुवीर मंदिर, अब हम प्राचीन मुखारविंद कामतानाथ के प्राचीन मुखारविंद चल रहे हैं। सौ साल हो गए हैं सारे ग्रुप को। ये प्राचीन रामनाथ मंदिर है, यहीं पे हम दर्शन परिक्रमा करेंगे, जो लगभग 5 किलोमीटर की होगी। तो हमने यहाँ से प्रसाद ले लिया है, हम तो चल दिए दर्शन के लिए। कुछ शुरुआत इस टाइप की है इसके। तो यही जो मंदिर है कामतनाथ जी का मंदिर है, और यहाँ की 5.5 किलोमीटर की यात्रा हम शुरू करने जा रहे हैं। फाइनली तो यहाँ पे कोई इस टाइप की गाय देखने को मिल रही है, देसी गाय, तो वैसे नारियल फोड़ के और यहाँ धूप जला के यहाँ पे चढ़ाया जाता है मंदिर में। इनके बारे में मानता है कि इनके मुंह से इनके दूध की धारा निकलती है। हाँ, कामतगिरी पहाड़ जो पर्वत है, कामतगिरी पर्वत के प्राचीन मुखारविंद यही है। इन मुखारविंद में
भगवान कामतानंद भगवान के मुख से दुर्धारा निकला करती है, जो पिछले कोविड काल में 40 वर्ष बाद दुर्धारा निकली थी। हमने मंदिर से पूजा करके और चलना शुरुआत कर दी हमने यहाँ से। हाँ, 5.5 किलोमीटर की लगभग है यहाँ से पड़ेगी ना, कि हम आपको दिखाते रहेंगे बीच में। यहाँ पे आपको बंदर बहुत मिलेंगे, इस तरह थोड़ा सावधान रहिएगा कोई भी सामान वान लेकर। सुबह का टाइम देखा जाए तो 11:45 हुआ है हमारा, तो देखते हैं यहाँ से कितना टाइम लगता है हमें पूरा कंप्लीट करने में। तो बीच बीच में देखिए छोटे छोटे आपको मंदिर ऐसे में मिलते रहेंगे, तो आप दर्शन करते हुए चलते रहिए। बाकी रास्ते में पूरा छांव के लिए पूरा ऊपर आप देखें पूरा शेल्टर लगा हुआ है, तो ऐसा कोई इशू नहीं है, धूप में भी आराम से कर सकते हैं। कुछ इस टाइप से आपको दुकानें से मिल जाएंगे लगी हुई, बेसिक दुकान है ये देखिए हनुमान जी। राम जानकी महल मंदिर है, तुलसीदास जी ने पेड़ लगाया था, उनका ये लगाया हुआ हाथ का पेड़ और देख सकते हैं विशाल का होगा। मातरो लोक मातरा हृदय पोल्टे कथा पोल्टे आत्मना कुल देवता लक्ष्मी एक और ये प्राचीन मंदिर है देख सकते हैं नाम, ये कुछ इस टाइप से। साक्षी गोपाल मंदिर है, उनके दर्शन कर लेते हैं। परिक्रमा कर रहे हैं हम लोग, तो लोग इसमें ऐसे अपने लिखते भी हैं। बांके बिहारी सीताराम लिखा जाता है, बांके बिहारी बोला था सीताराम लिखा जाता है। तो ऐसे फिर माथा टेक कर
तो अभी तो हम लोग एमपी में थे, यूपी से एमपी पे आए, अब एमपी से फिर अगेन हम यूपी की तरफ जा रहे हैं, उसको ऐसे पार करेंगे फिर यहाँ से यूपी उत्तर प्रदेश स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ से अब उत्तर प्रदेश स्टेट का देखिए, क्योंकि ये दोनों स्टेट में पड़ता है। ये देखिए अब यहाँ पर आपको कई आश्रम और कई मंदिर दिखाई देंगे, इसमें इस टाइप के कुछ दुकानें और लोग फिर कुछ ना कुछ इससे परचेज भी करते रहते हैं। श्री गुरु वशिष्ठ आश्रम भी है, ये आप देख सकते हैं। ये आपके जल के लिए हो गया, गुरु वशिष्ठ आश्रम से होते हुए देखिए यहाँ पे सीताराम जी लक्ष्मण जी के साथ हनुमान जी के साथ काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखिए लोग दर्शन करने आ रहे हैं कितने लोग। ये भरत मिलाप मंदिर है, उसको आप देख सकते हैं, भरत जनक मिलाप टेम्पल है, ये बहुत प्राचीन है सब। देखिए ये भी एक मंदिर है रामायण दर्शन के लिए, ये आपको दिखा देते हैं, कुछ स्टेप्स है इतना बड़े इलाके में, तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। अरे गीता प्रेस यहाँ पे भी है, इनके यहाँ पे भी लगे हुए हैं बैनर, तो आपको हर जगह मिल जाएंगे, हर स्थल से लेकर हर जगह आपको मिल जाएंगी इनकी पुस्तकें। पियामा बैंकुट है रामकद मंदिर का, ये आप देख सकते हैं इस टाइप से लोग इनको ऐसे खिला रहे हैं मंदिरों को, आप देख सकते हैं चने डालते हुए चल रहे हैं और ये लोग भी खा रहे हैं। तो मामा जी ने खिला दिया इनको, यहाँ बहुत ऐसे आपको बंदर मिलेंगे, उनका चना बिस्कुट कुछ भी खिला सकते हैं, खुशी खुशी खाते हुए जाएंगे। जय महाकाल जी। वो आपको ऊपर दिख रहे होंगे, बीच में आपके शौचालय भी हैं, आप लोगों को कष्ट ना हो। ये विराज कुंज है, ये देखिए इनको हम लोग खिला रहे हैं, उसको देखो पे आए तो पान गुटखा यह चीज़ें प्लीज़ ना करें, ठीक है, क्योंकि ख़राब नहीं करना आपको, तो ये देश की धरोहर है और आपको ख़राब नहीं करनी चाहिए। ये देखिए मामा जी खिलाते हुए पेट भरा हुआ है इन लोगों का। देखिए प्रयागराज के भांति यहाँ पे भी लेटे हुए हनुमान जी आपको मिलेंगे, बहुत प्राचीन है सब। जब भी आए प्लीज दर्शन जरूर करिए, जब भी आप लोग यहाँ पे आइए। ये देखिए रास्ते में आपको देवी जी मिलती रहेंगी, दर्शन करते हुए चले गए हनुमान जी। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, आप बहुत ज्यादा है तब आपने थोड़ा सामान का ध्यान रखेगा। कामधेनु जी के ये है, आप ऊपर जाके दर्शन कर सकते हैं।
तो भारत मिलाप हुआ था फिर राम भगवान भरत जी मिले थे, अब उनके चरण जी पादुका मिलेंगे आपको, हम चलते हैं। तो यहाँ पे जब भी आए सबसे दर्शन जरूर करें। ये इनके चरण पादुका है। भगवान राम के हैं दर्शन कर रहे हैं सब लोग, आए आप लोग भी आइए दर्शन करिए जरूर बिना भूले। लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के हैं यहाँ से जरूर करिए। तो यहाँ से ऊपर चढ़ते हुए चढ़ के इसमें आए, भगवान का भी मंदिर है ये। ये जड़ी बूटियाँ बनाते हैं आप देख सकते हैं। लक्ष्मण पहाड़ी में ये रोप वे भी दिया हुआ है ना, ये रोप वे लक्ष्मण पहाड़ी, लक्ष्मण पहाड़ी यहाँ पे जाके है लक्ष्मण जुड़ा। चल लक्ष्मण जी वहाँ बैठ करते वो करते थे सुरक्षा सीता जी राम जी का। अच्छा यहाँ पे लक्ष्मण जी ऊपर बैठ के सीता जी राम जी के आपके सुरक्षा करते थे। मतलब जब अरे तृतीय मुखारविंद है, ऐसे चार थे हमारे यहाँ पे तृतीय आ गया। तो इनके अब दर्शन करने जा रहे हैं हम लोग अंदर। अच्छा तृतीय मुख है। पहले के समय में कुछ नहीं था। कुछ स्टेप्स आपको दिखेगा यहाँ पे,
पीछे संकीर्ण गलियां हैं, जैसे अब होके निकलेंगे वहां से तो फिर मुखारविंद से अब इसके बाद हम चौथाई तक बढ़ेंगे, दर्शन करके फिर हम फाइनल फिर लास्ट में एंड करेंगे। भगवत पीठ है, ये भगवत पीठ का दृश्य है। बाबा जी भी साथ में है। देखिए अंदर में कुछ कुछ मार्केट मिलती रहेंगी, कुछ आप लोगों को कुछ खरीदना हो तो ले सकते हैं आराम से। बहुत दस रुपये आपको मिल जाएंगे सब खाने के। तो ये हमारी कुल्फी आ गई, लोग कुल्फी खा रहे हैं। तो कुल्फी खाते हुए चल रहे हैं और सब लोग साथ में, हम लोग के साथ में है तो काफी अच्छी है। आप लोग भी आइए तो ट्राई जरूर करिए। इनके दर्शन करते हुए चलिए, बरा के हनुमान जी है। कुछ टाइप से आपका जब भी यहाँ पे दर्शन करने जाइए तो मामा जी खिला रहे हैं सबको एक साथ। ये लो खाओ, बस 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 सब सब तो एक साथ मत ये लो, लो जब इनको दे दिया बस हो गया खत्म, बाकी मामा जी देंगे। बहुत देर बहुत देर। ये देखिए खड़े हो गए लेने के लिए, वेट कर रहे हैं। मैं कुछ देता हूँ दे। लो सब यही खाया जा रहा है, वही खा रहा है। हाँ जी सब हनुमान। यहाँ क्या इतिहास है? Thank you.
यहाँ की परिक्रमा करते हैं हम लोग, परिक्रमा करते हुए दर्शन कर लिए हम लोगों ने, अब आगे बढ़ रहे हैं। ये हवन चल रहा है ऊपर, इनकी रसोई है। यहाँ के दर्शन करते हुए हम लोग बाहर निकल रहे हैं, राके हनुमान जी के दर्शन करते हुए। चोपड़ा टेम्पल ये कोई बहुत बड़ा तालाब था पुराना प्राचीन, अभी ये ऐसी कंडीशन में है यहाँ पर। दर्शन हो जाएंगे अपने आप। देखिए प्राचीन टाइम के जो मंदिर थे, जो जो भी चीज़ नहीं देखी अब तक, किस टाइप के हुआ करते थे पहले, आपको इस टाइप के बहुत ही दुर्लभ मिलेंगे चीज़ें।
उस तालाब टाइप का है प्राचीन टाइम का। अच्छा कुछ दिख रहा है पकड़ लिया इधर ना। सुभाष सिंह का देखो बेचारा। देखो मैं चिड़िया कैसे करती है पूरा उनके बारे में निकाल लीजिए। और दूसरा तो नहीं सुभाष सिंह का यही है और कोई चेक करो दूसरा तो क्या पर्चा निकला है आपको। इसमें साफ नहीं आ रहा आप पढ़ दीजिए आप पढ़िए ना क्या कुंभ राशि का फल। कुंभ राशि का फल हे प्रश्नकर्ता महाशय आपके शगुन का फल यह है कि आपके सोचे कार्य में सफलता बहुत शीघ्र प्राप्त होगा। पहले आपके राशि पर शनि का प्रभाव बहुत खराब चल रहा था, बहुत परेशानी उठा चुके हैं, अब आपका समय अच्छा आ गया है। इस वर्ष धन का लाभ अच्छा रहेगा, कारोबार में फायदा तथा तरक्की मिलेगी। अपने हाथों द्वारा नया निर्माण भी करोगे, दूसरों की भलाई करोगे, आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अपने हाथों में माँ लक्ष्मी जी का 15 यंत्र की अंगूठी सिद्ध की हुई पहने, इस यंत्र के द्वारा धन लाभ प्राप्त होगा, विश्वासम फलदायक होगा। चलो जी धन्यवाद। चिड़िए का पूजा वो है ये चिड़ियों से पूरा राजफल बताया जाता है। निकलते चिड़ियों से ठीक है जी धन्यवाद। देखिए लोग यहाँ पे मानता रखते हैं तो देखिए उन्होंने मानता रखी होगी इसलिए चलते हुए जा रहे हैं पूरा 5.5 किलोमीटर बहुत टफ है। जो अगर आप ऐसा कुछ देखें तो प्लीज़ उन लोगों को जगह जरूर दे दें निकलने के लिए, सामने ना चलें। ये प्राचीन मंदिर है राधा कृष्ण जी के। ये बांके बिहारी जी का मंदिर है, उनके अंदर हम लोग दर्शन करने जा रहे हैं। Thank you.
ये चौथे मुकाबले में हम लोग दर्शन विक्रम निकल तो हम यहाँ पे बस जहाँ से हमने शुरुआत की थी हम वहीं जा रहे हैं और वहाँ पे ये मान्यता है कि जब भी जहाँ से शुरू करें वहीं से दर्शन करते हुए फिर वहाँ से एंड करें। तो हम लोग बस अब दर्शन करने जा रहे हैं, इस कैसे हम उसको समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं फाइनली देखिए द्वार में जहां से स्टार्ट किया था, तो ये एंडिंग है और हम लोग 5.5 किलोमीटर कर लिया है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम देख लीजिए कितना हुआ, लगभग हमें कितना 1.5 घंटा लगा सब कुछ कंप्लीट करने में, 1.5 घंटे में पूरा हो गया आराम से। वो भी हम लोगों ने बहुत हाई स्पीड से चले, नॉर्मल स्पीड से चल रहे थे। तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर आइए, दर्शन करिए और ज़रूर यहाँ का लुत्फ उठाइए। चलिए चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आगे के ब्लॉग में। अभी बहुत जगह जाना है, हनुमान धारा और बहुत जगह, तो आपको दिखाएंगे फिर। धन्यवाद। हाँ, राजापुर का मार्केट है।